सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज जब ये लोकतंत्र मार्च बंदी हाउस पर इकट्ठा हुआ, तो इस मार्च में शामिल होने पांचवी छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी आए हुए थे। वो स्कूली बच्चे जिन्हें शायद स्कूलों में पढ़ाया जाता होगा अभी भी कि बच्चों लोकतंत्र के चार आधार हैं, तो उन्होंने भी जो गुरु जी पढ़ाते हैं कि चार आधार हैं, उनको स्टूडेंट्स को भी लगा कि चार आधार जो बताए जाते हैं वो डगमगा कर गिरने वाले हैं, इसीलिए शायद वो इस लोकतंत्र मार्च में शामिल होने आए थे। साथियों, गौरी लंकेश की हत्या क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि वो समाज के सभी कुचले हिस्से की बात कर रही थी। वो इसलिए होती है कि वो देश के मजदूरों के लिए बात कर रही थी। वो मजदूरों का जनतंत्र चाहती थी। जहां पर मजदूर साथी आए हैं, जब हम इस लोकतंत्र मार्च में आ रहे थे, तो मैं इस बात पर सोच रहा था कि क्या हम अगर बीजेपी को हटा देंगे तो उसके बाद जो लोकतंत्र होगा, क्या वो सही में जिसे हम रियल डेमोक्रेसी कहते हैं वो होगा क्या? क्योंकि मुझे लगता है अगर बीजेपी चली भी जाएगी तो भी जनतंत्र जिसे हम